हे व्हाट इज़ अप गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक इन टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न गेमर ऑफिशियल। सो दोस्तों यार, आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ 5 ऐसे मिथबस्टर्स जो आपको यार मिल जाएंगे देखने के लिए अपने फ्री फायर के अंदर। और दोस्तों यार, जितने मिथबस्टर है ना, मैंने दोस्तों यार कमेंट में से पिक करे दूसरे चैनल के। और दोस्तों यार, अगर आपको भी कुछ मिथ्स पता हो ना, तो दोस्तों यार मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना कि कौन से मिथ आपको पता है, वो आप मेरे को कमेंट में सेंड कर देना। और दोस्तों यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ यार ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर अगर न्यू हो ना, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों यार, वीडियो को शुरू करते हैं। वो दोस्तों यार, हम आ चुके हैं हमारे पहले मिथ की तरफ। और दोस्तों यार, जो हमारा पहला मिथ है वो होने वाला है हमारे AWM के बारे में। सो दोस्तों यार, मैं आपको मिथ पढ़ के बताता हूँ। तो दोस्तों यार, मिथ है कि दोस्तों यार, जब हम मतलब हम अपनी AWM को लेफ्ट बटन से, दोस्तों लेफ्ट फायर बटन से अगर फायर करेंगे, तो दोस्तों यार वो स्कोप में नहीं आएगा। सो दोस्तों यार, ये हमारा फर्स्ट मिथ। और दोस्तों यार, अभी देखो मैं राइट बटन से फायर करा तो दोस्तों स्कोप में आया। आप राइट बटन देख सकते हो, हल्का सा हिला होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो, फिर से मैंने राइट बटन से करा, फिर स्कोप में आया, फिर करा तो फिर से स्कोप में आया। दोस्तों ये आप सेटिंग में चेंज भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यार, मैंने दोस्तों यार देखा कि जब मैं लेफ्ट बटन से फायर करा ना दोस्तों, तो स्कोप में नहीं आया। ये आप खुद देख लें दोस्तों, लेफ्ट बटन से मैं फायर करूँगा तो स्कोप में ही नहीं आएगा दोस्तों। देखो दोस्तों देखो, मतलब दोस्तों क्या है, मतलब बढ़िया से मिथ है दोस्तों यार। ये मिथ मेरे को पता भी नहीं था दोस्तों, बहुत सही मिथ है। मतलब यार दोस्तों, लेफ्ट बटन से फायर करने से स्कोप ही नहीं आता है। तो दोस्तों ये बहुत मतलब यूज़फुल ट्रिक आप कह सकते हो शॉर्ट रेंज के लिए, क्योंकि दोस्तों यार कभी कभी हम शॉर्ट रेंज में AWM से खेलते हो, दो AWM है तो दोस्तों यार कभी कभी फिर सेटिंग में बार बार हमें करना पड़ता है, स्कोप इन आउट करो या फिर नॉर्मल रखो। तो दोस्तों यार ये बहुत सही ट्रिक है। तो दोस्तों यार ये भी तक दोस्तों यार, इस मिथ को हम कहते हैं द मिथ इज कन्फर्म। तो दोस्तों यार ये मैं तुम्हारा कन्फर्म हो चुका है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ। सो दोस्तों यार, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट मिथ की तरफ। और दोस्तों यार, ये जो मिथ होने वाला है वो होने वाला है हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में मोशन ट्रैक के बारे में। और दोस्तों यार, ये सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं, आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, जो मोशन ट्रैक का टायर होता है ना, आपको उस पर चढ़ना है और फिर उस पर कूदना है, बैठना है, ऐसी कुछ आपको करना है। ये दोस्तों यार मिथ में लिख रखा था। दोस्तों यार आपको ऐसे करना है और दोस्तों फिर मैजिक देखना। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ, ऐसे कूद रहा हूँ। तो दोस्तों यार मेरे को लग तो नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है, फिर भी दोस्तों यार करके देख लेते हैं। सो दोस्तों यार, देखा आपने दोस्तों ध्यान से एक बार, मतलब वीडियो को अगर आप चाहो तो एक बार स्लो मो में करके देख लेना। अभी मतलब दोस्तों जो हमारा ट्रक था वो हल्के से मतलब हिला दोस्तों ऐसे करके, तो एक बार वो करके देख लेते हैं। तो दोस्तों फिर से देखो, तो फिर से दोस्तों यार हमारा ट्रक था वो हिल रहा है। तो दोस्तों मेरे को लगता है यही हमारी जो मिथ है वो यही है दोस्तों, जो हमारा ट्रक है वो हिलेगा। तो फिर से देखो यार, ट्रक हिल रहा है। तो जब मैं दोस्तों यार सीट अप डाउन कर रहा हूँ, तो तब ट्रक हमारा जो है हिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों एक बार और करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों दोस्तों यार देखो, तो देखो फिर से हिला दोस्तों यार, मैं ऊपर टायर पे क्लाइंब करा मैंने। तो दोस्तों यार फिर से हिला दोस्तों हमारा जो ट्रक है दोस्तों, देखो फिर से। अब देखो पीछे वाले टायर दोस्तों अप डाउन कर रहा हूँ, तो दोस्तों हिल रहा था अभी, रुक गया। तो दोस्तों यार ये मिथ भी दोस्तों यार बहुत सही लगा। तो दोस्तों यार इस मिथ को भी हम कहते हैं द मिथ इज कन्फर्म। और चलिए दोस्तों यार, चलते हैं अपने थर्ड मिथ की तरफ। तो दोस्तों यार देखो, जो हमारा दोस्तों अब हम आ चुके हैं थर्ड मिथ की तरफ। और दोस्तों यार थर्ड मिथ में हमारा लिखा है, दोस्तों थर्ड मिथ में हमारा लिखा है, अगर हम स्मूथ ग्राफिक्स में मतलब पांडा की दोस्तों यार मतलब स्मूथ ग्राफिक्स में पांडा दोस्तों यार लॉलीपॉप नहीं खाता है। तो दोस्तों जैसे आप सबको पता होगा कि पांडा की स्किल होती है जिसमें मतलब दोस्तों यार इमोट होता है जिसमें वो लॉलीपॉप खाता है, थर्ड इमोट दोस्तों। लेकिन दोस्तों यार स्मूथ ग्राफिक्स में नहीं खाता है। और दोस्तों यार जैसे कि आपने अभी देखा होगा, मैंने पांडा का दोस्तों यार लॉलीपॉप वाला इमोट करा, लेकिन दोस्तों यार उसने लॉलीपॉप नहीं खाई दोस्तों, बस उसने खाने की एक्टिंग करी। तो दोस्तों उसके हाथ में लॉलीपॉप थी ही नहीं। तो दोस्तों यार इस मिथ को भी हम कहते हैं कन्फर्म। और दोस्तों इस टाइम पता चलता है, जो बंदे मतलब स्मूथ ग्राफिक में खेलते हैं तो उन्हें मतलब दोस्तों बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता ही चलता है कि गेम में है भी दोस्तों। दोस्तों ये हमारा मिथ हो चुका है कन्फर्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ। ओ दोस्तों यार, जो हमारा नेक्स्ट मिथ होने वाला है वो लिखा है दोस्तों, बॉनफायर को दोस्तों यार पानी में यूज़ करो दोस्तों और देन सीधा मैजिक। सो दोस्तों यार ये लिखा है हमारा चौथा मिथ। तो दोस्तों यार इस मिथ को भी करके देख लेते हैं एक बार, क्या पता वर्क करे और क्या मैजिक होगा। तो दोस्तों यार देखो, मैं मेरे बॉनफायर अभी फुल चार्ज हो चुकी है और अब दोस्तों यार पानी में जाके कर रहा हूँ। तो दोस्तों यार ज़्यादा हो गया पानी थोड़ा सा।
सो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा हेड तक फ्लोट कर रहा है, तो पानी सही है। तो अब मैं बॉनफायर लगा के देखता हूँ। तो दोस्तों देखो बॉनफायर दोस्तों लग ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों यार बॉनफायर क्यों नहीं लग रही। तो एक बार और दोस्तों, तो दोस्तों यार पता नहीं बॉनफायर लेवल टू यूज़ लिखा हुआ रहा है बार बार। तो चलिए दोस्तों एक बार मतलब ऐसी जगह पर जाके देखते हैं जहाँ पे थोड़ा कम वाटर होगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो हम एक और जगह पे आ चुके हैं जो दोस्तों हंगार के पास है। तो यहाँ पे भी बहुत कम वाटर है, आप देख सकते हो कि इसमें भी अनेबल टू यूज़ दिखा रहा है। और दोस्तों अगर हम इसे वहीं फ्लोर पर यूज़ करते हैं तो दोस्तों देखो दोस्तों फ्लोर तो वर्क कर रही है, इसका मतलब दोस्तों ये मिथ फेल्ड हो चुकी है। दोस्तों इसको हम कहते हैं द मिथ इज़ फेल्ड बिकॉज दोस्तों ये मिथ वर्क नहीं कर रही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने फिफ्थ मिथ की तरफ। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारी फिफ्थ मिथ होने वाली है दोस्तों वो बहुत ही औसम है। और उस तरह मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ मिथ में है क्या। तो दोस्तों इसमें लिखा है पोचिनोक में जो एल शेप हाउस होता है उसके ऊपर दोस्तों OB22 के अपडेट के बाद एक चेयर आ गई है। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि हम बिना दोस्तों टायर को यूज़ करें इस चेयर पर दोस्तों कैसे सेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है क्योंकि दोस्तों अगर आपकी पावर कम है और बंदा यहीं कहीं नीचे है तो दोस्तों आप आराम से इस पर बैठ सकते हो। तो दोस्तों मिथ के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, पहले इसको जंप कर रहे हैं तो देखो जब भी मैं जंप कर रहा था दोस्तों सीट का ऑप्शन आ रहा था। तो जैसे आपको जंप करोगे सीट का ऑप्शन आएगा, आपको उसे क्लिक करना। और ये देखो देखो यार हम पहुंच चुके हैं यार हमारी सीट के सीट के ऊपर। और दोस्तों यार ये कोई एडिटिंग नहीं है दोस्तों, फुल्ली मतलब वीडियो है दोस्तों, आप एक करके देख सकते हो। क्लैश स्क्वाड में वर्क करेगी दोस्तों, बहुत इजी ट्रिक है और बहुत आराम से कर सकते हो। और तो और दोस्तों अगर आपको कोई मिथ पता होना तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर देना, मैं दोस्तों मिथ की वीडियो डाल दूंगा। और दोस्तों आई बटन में दोस्तों यार मैंने बता रखा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यस या नो पे क्लिक कर देना। और दोस्तों यार अगर आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दोस्तों यार ऑल पे प्रेस करना ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।